जमात हफ्तों मजनू रियाजी मशकी सवालात 12 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हम सवाल नंबर 1 मीम एंड अलिफ यानी मुश्तरक आदे आदम मालूम कीजिए, है ना? आप लोग तैयार है बेटे? हाँ, मुश्तरक मीम ज्यादा लिखे हुए, ये मीम एंड अलिफ मुश्तरक आदे आदम मालूम कीजिए। पहला उसमें सवाल है कितना है बोलो? 25। वेरी गुड। सबसे पहले हम 25 के क्या करेंगे? अज़ा अज़ाबी मालूम करेंगे। अब 25 तो 25 के अज़ा अज़ाबी अगर हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से तकसीम करेंगे। 5 ज़रब 5 इसके अज़ा अज़ाबी हो गए 5 पंजे 25। अब बारी है 40 की। हाँ, तो हम ये 40 को मसावी एकाई के मुकाम पे सिफर, लिहाजा एक जुफ्ता है वो 2 से तकसीम होता है, इसलिए हम 2 लिखेंगे। 2 जरा 2 के पार्ट में 4 आते क्या? आते 2 सिफर सिफर 20 हुआ। अब यहाँ पर मसावी के नीचे मसावी 2 जरा। अब 20 को अपने को जो है इसके जो है क्या करना है? अज़ाई ज़रबी निकालना है, है ना? तो इसको भी 2 जरा करेंगे। 2 जरा 2 के पार्ट में 20 आते क्या? आते। कब? 2 दाहे के 10 देंगे मसावी 2 जरा 2 जरा। अब 10 को कैसा लिखेंगे? और 2 से होते हैं 2 जरा 5 2 पंजे 10। यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपके? हाँ। अब जो है यहाँ पर अपने को यह मुफरद अदद हासिल हुआ 5, इसलिए अपने यहाँ पर रुक गए। इसके आगे यानी अज़ा ज़रबी नहीं निकलते, इसी तरह इसके भी आगे अज़ा ज़रबी नहीं निकलते। अब अपने को मालूम करने का है मीम आयन अलिफ, तो उसका मीम आयन अलिफ यानी इसमें मुश्तरक क्या है? मुश्तरक बोले तो कॉमन, है ना? एक जैसा जो आदत है वो आपने को लेने का है। मुश्तरक मुश्तरक आदे मसावी मीम आयन अलिफ मसावी क्या आ जाएगा? इधर भी क्या है? क्या कर दिए? सर्कल बना दिए, उसको दायरा बना दिए और यहाँ पर उसका 5 जवाब लिख दिए। ये हो गया पहला सवाल। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं कितने हैं ये? 56। दोनों का मीम मुश्तरक आदे आदम मालूम करना है तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे इसके अज़ाए 56 मसावी। कैसे तकसीम करेंगे जिसको? अब यहाँ ज़रबी सूरत में कैसे लिखेंगे? इकाई के मुकाम पे 6 है, 2 है, तो ये 2 से तकसीम होता है, इसलिए यहाँ 2 जरा 2 के पार्ट में 5 आते क्या? नहीं, 4 5 में से 4 गए, एक बचा, कितने बने? 16। 2 के पार्ट में 16 आते क्या? 8 आते की क्या लिख दिया तुमने? 8 मसावी 2 के नीचे 2 के नीचे जरा। अब आ रही है किसकी? 28 की, तो इसको भी हम 2 से कर सकते हैं ना? 2 जरा 2 के पार्ट में 2 आते क्या? हाँ। कब आते? 2 एक का 2। अब आ रही है किसकी? 8 की। 2 के पार्ट में 8 आते क्या? 2 चौक 8। 2 चौक के हमने कितने लिख दिए? 4। ये मसावी डाले। अब ये 2 जरा 2 जरा 14 की बारी है, तो 14 को हम 2 से कर सकते हैं। 2 7 14 7 लिख दिए। अब ये जो 7 आया है ये मुफरत अदद है, इसके आगे जो है इसके अज़ाए ज़रबी नहीं होते, इसलिए यहाँ पर ये इसके अज़ाए ज़रबी खत्म हो गए। अब बारी है 32 की, हम लिख देंगे 32 को मसावी। ये भी कैसे होगा? 2 से क्यों 2 से होगा? 2 है जुफ्त है ना, तो 2 जरा। अब कैसे करिए इसको? 2 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1 बचा, तो कितने बन गए? 12। 2 6 12 से लिख दिया 16 हासिल हुआ 2 जरा। अब इसको भी 2 से कर सकते हैं, 2 जरा 2 8 16 लिख दिए मसावी 2 जरा 2 जरा। अब ये 8 को करना है तो 2 जरा 4 करेंगे, 2 चौक 8 मसावी। अब ये 2 जरा 2 जरा 2 जरा। अब ये 4 को किस तरह से लिख सकते हैं की सूरत में? 2 जरा 2। अब यहाँ पर जो है आखिरी हिस्सा जो हासिल हुआ हमें अदद वो है 2, और ये मुफरत अदद है, इसके आगे अज़ाज़र भी नहीं होते। अब इसमें से हमें जो मुश्तरक है वो देखना है, तो यहाँ पर मुश्तरक 2 है, यहाँ पर है क्या? है। आपने अंडरलाइन कर दिए, उसको खत कशीदा कर दिए। इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ है क्या? है। यहाँ 2 है, यहाँ है क्या? है। अब यहाँ 7 है, यहाँ है क्या 7? नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ है क्या 2? नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ है क्या 2? नहीं। यानी मुश्तरक अपने को जो है इसके अज़ाए ज़रबी में से, इसमें से 56 के अज़ाए ज़रबी में से और 32 के अज़ाए ज़रबी में से मुश्तरक अपने को क्या मिले? ये 2 3 मरतबा 2 आए, तो उसका मीम आयन अलिफ होगा, यानी मीम
आयन अलीफ मसावी दो जरब दो जरब दो, तो कितना हो गया ये दो दुनी चार आठ, आठ। तो इसका मीम अलीफ क्या हो गया 56 और 32 का आठ। जवाब अपना क्या गया आठ। हम तीसरा सवाल देखेंगे, अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है 40 साठ और 75। इसे हमें क्या मालूम करना है, तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो तनवीर। 40 हाँ बोलिए 40 के क्या मालूम करेंगे, तो 40 के अजाय दरबी मालूम करने के लिए 40 लिख दिए, मसावी की अलामत डालेंगे, इकाई के मुकाम पे सिफर है, जुफ्त अदद है, दो से तकसीम हो सकता है, तो दो लिखेंगे जरब दो के बारे में चार आते आते दो दूनी चार सिफर सिफर मसावी दो जरब। अब इसको जो है इसके अजाय दरबी निकालेंगे तो दो जरब दो का दो सिफर सिफर दस आया मसावी दो जरब दो। अब दस को कैसा लिखेंगे, दो जरब पाँच दो पंजे दस, ये इसके अजाय दरबी हमें मिल गए। उसके बाद है साठ, साठ की अजाय दरबी मालूम करना है, मसावी अब इकाई के मुकाम पे सिफर है, जुफ्त अदद है, लिहाजा दो से तकसीम होता है, इसलिए दो लिखेंगे, दो के पहाड़ में छह आते का आते का दो तिया छह लिखिए, दो सिफर सिफर मसावी दो जरब के नीचे जरा। अब तीस को करना है तो तीस के भी इकाई के मुकाम पे सिफर है, लिहाजा दो से तकसीम होता है, वो तो दो के पहाड़ में तीन आते क्या नहीं कम दो दो एक तीन में से दो चलेगा एक बचा, कितने बन गए यहाँ पर दस बन गए, तो दो के पहाड़े में दस आते हैं क्या आते दो दस मसावी दो जरब दो जरब। अब जो है पंद्रह, पंद्रह जो है तीन के पहाड़े में आते, दो के पहाड़े में नहीं आ सकते वो, क्योंकि वो जुफ्त अदद नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो जरा सॉरी दो तीन लिखेंगे, तीन से तकसीम होगा तीन जरा, तीन के बारे में पंद्रह कब आते तीन पंजे पंद्रह। अब यहाँ पर पांच आया, यहाँ पर जो है इसके आगे अजाय दरबी नहीं होती। अब किसकी है 75 की अजाय दरबी मालूम करेंगे मसावी। अब 75 जो है इकाई के मुकाम पे क्या है यहाँ पर पांच है, तो हम इसको पांच से भी कर सकते, लेकिन अब तीन की कसर क्या है हिंसों की जमा, सात और पांच कितने होंगे बारह, बारह जो है तीन से तकसीम होता है, लिहाजा पूरा आदत तीन से तकसीम हो सकता है, तीन के पहाड़े में सात आते क्या नहीं, उससे कम क्या आते हैं दो लिख दिए वहाँ पर। अब सात में से छह चले गए, कितने बच गए कितने बने पंद्रह आते क्या तीन जरब के नीचे जरब। अब 25 को जो है उसके अजाय दरबी कैसे होंगे अपने को हासिल हो गया इसके अजाय दरबी। अब इनका मीम आयन अलीफ है मुश्तरिक करना है। अब इसमें मुश्तरिक क्या है, देखो यहाँ पर दो है, यहाँ दो है क्या यहाँ है, लेकिन नहीं तीनों में यानी दो मुश्तरिक है क्या नहीं, वो नहीं होगा, यहाँ दो है यहाँ दो है यहाँ है क्या नहीं, यहाँ दो है यहाँ दो है के बाद यहाँ है मगर इधर नहीं है, तो इसमें से मुश्तरिक क्या दिख रहा है तुमको वो पाँच ही, इसमें तीन है इसमें तीन है लेकिन इसमें तीन नहीं, पाँच 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 है, ये तीनों में जो है एक अदद यानी मुश्तरिक दिख रहा है वो है पाँच, लिहाजा इसका मीम आयन अलीफ क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा। देखिए आपके जवाब की फेरिस्ट में आप देख सकते हैं पाँच जवाब आया क्या, हाँ तो इसलिए जवाब सही है। चौथा सवाल देखेंगे, चौथा सवाल है 16 और 27, तो 16 के पहले हम क्या मालूम करेंगे 16 जो है पहाड़ में आता है दो मसावी दो जरब, कैसा लिख सकते दो जरब चार मसावी दो जरब दो जरब दो दो जरब दो, ये इसके अजाय दरबी हो गए 16 के। 27 की बारी है, 27 लिखेंगे मसावी, अभी कितने से होगा तीन से, तीन जरब नौ, तीन नवा 27, नौ लिखे आपने मसावी तीन जरब तीन जरब तीन, हो गए। अभी दोनों में कोई मुश्तरिक दिख रहा क्या आदत आपको नहीं दिख रहा है, अगर जिसमें मुश्तरिक नहीं दिख रहा है उसमें मुश्तरिक नहीं है तो उसमें मुश्तरिक होता है लिहाजा इसलिए तीन उक्ति का मतलब क्या है इसलिए जवाब। अब हम पांचवा सवाल देखेंगे, पांचवा सवाल है 18, 32 और 48। सबसे पहले हम 18 की क्या मालूम करेंगे अजाय दरबी, तो 18 ये दो से तकसीम होगा लिहाजा दो जरा, दो के पहाड़े में 18 कब आते दो नवा, दो नवा 18, नवा के कितने लिख दिए मसावी दो जरा, नौ को कैसा लिखेंगे अजाय दरबी की सूरत में तीन जरा, इसका अजाय दरबी हो गया 18 के। अब आ रही है 32 की,
लिख दिए 32 मसावी, ये दो से तकसीम होता है, दो जरा, दो के पहाड़े में तीन कब आते हैं, एका दो, एका दो, तीन आते कि नहीं आते, उससे दो आते, दो एका दो, तीन में से दो गए, एक बचा, कितने हो गए यहाँ, बारह, बारह आते क्या, हाँ, तीन छक्के, दो छक्के, तीन छक्के, दो छक्के, बारह, मसावी दो जरा, सोलह के साथ लिखेंगे, दो जरा, आठ मसावी, दो जरा, दो जरा, आठ को कैसा लिखेंगे, दो जरा, चार, चार मसावी, दो जरा, दो जरा, दो जरा, दो जरा, दो, तो ये हो गया, किसकी बारी है, अड़तालीस, अड़तालीस मसावी, ये भी दो से तकसीम हो सकता है, इकाई के मुकाम पे आठ, दो जरा, दो के पहाड़े में चार कब आते हैं, दो दो चार, दो लिख दिया, अब आठ की बारी है, दो के पहाड़े में आठ कब आते हैं, दो चार, आठ मसावी, दो जरा, अब चौबीस के अजाय भी करेंगे, अब दो, तो ये दो से होता है, दो जरा, दो एक, दो दो, अब ये चार है, तो दो के पहाड़े में चार कब आते हैं, दो दूनी चार, दो दूनी चार, मसावी के नीचे मसावी, दो जरा, दो जरा, अब बारह को कैसा लिखेंगे, दो जरा, छह, बारह छे लिख दिए, दो जरब, दो जरब, दो जरब, अब छह की बारी है, तो उसको कैसा लिखेंगे, दो दो जरब, दो तीन, है ना, दो तिया छह, अब ये होगा इसके अजाय सही, ये दो हम बराबर लिखेंगे, जेड पी जैसा नजर आ रहा हो, है ना, अब देखेंगे इसमें मुश्तरक क्या है, दो दो दो, हाँ, दो दो, इधर देखो, यहाँ अठारह में ये दो है, अठारह के अजाय जरबी में ये दो, बत्तीस के अजाय जरबी में ये दो, अड़तालीस के अजाय जरबी में ये दो, बाकी कोई है क्या मुश्तरी, नहीं, इसलिए इसलिए दो, है ना, अब हम छठा सवाल देखते हैं, छठा सवाल है 105 कॉमा 154, 105 की हम क्या करेंगे, सबसे पहले अजाय जरबी मालूम करेंगे, 105 मसावी, हाँ, अब ये देखिए, ये जो है एक है ना, हिस्सों की जमा करी है, तीन से तकसीम होता है देखने के लिए, एक और सिफर, दस, एक और सिफर जमा करने का है, एक और सिफर, हाँ, एक में सिफर जमा करे तो एक और तीन, ये पाँच, छह, छह तीन से पूरा तकसीम होता ना, होता, लिहाजा ये पूरा छह से, ये तीन से तकसीम होने वाला है, हाँ, दो से नहीं होता, एक मुकाम पे पाँच है ना, यहाँ जुफ तद कहाँ है ये, तो अब यहाँ लिखेंगे तीन जरा, अब तीन के पहाड़े में दस आते क्या, नहीं, उससे कम, दस में से नौ गए, कितने बचे, कितने बने बेटे अल्फिया, पंद्रह, वेरी गुड, पंद्रह बचे, तो तीन के पहाड़े में पंद्रह आते क्या, तीन के पहाड़े में पंद्रह आते क्या, कब आते, कितने हासिल हुए अपने को, ये मसाली, तीन, अब ये जो है पैंतीस इकाई के मुकाम पे पाँच है, लिहाजा इसको अपनी पाँच से तकसीम कर सकते हैं, पाँच जरा, पाँच के बारे में पैंतीस कब आते हैं, हासिल हुआ इसके आगे अजायजर भी नहीं होते, अब ये 154 की बारी, 154 लिख दिए, मसावी इकाई के मुकाम पे चार है, लिहाजा ये दो से तकसीम होता है, तो दो जरा, दो के पहाड़े में पंद्रह आते क्या, चौदह, अब कितना बचा, एक, बने चौदह, दो सत्तर, चौदह, चौदह, सतहत्तर को करने का है, तो ये सात से होगा ना, सात जरा, सात एका, सात एका, ग्यारह अदद हासिल हुआ, ग्यारह जो है मुफरद अदद है, इसके आगे अजाय जरबी नहीं होती, लिहाजा ये दोनों में कॉमन क्या है, मुश्तरक क्या है, उसको अंडरलाइन करना, तो इसलिए मीम आइन अलीफ मसावी मसावी सात, ये जवाब आ गया, सवाल देखेंगे साथ में, सवाल है 42 कॉमा 45 कॉमा 48, सबसे पहले क्या करेंगे, 42 से करेंगे, यानी 42 जरा, हाँ, ये दो से तकसीम होता है, दो जरा, दो के पहाड़े में चार आते क्या, आते का दो दुनी चार, ये दो है तो दो का दो, दो दो जरा, इसको हम तीन से करेंगे, तीन जरा, तीन के पहाड़े में 21 कब आते हैं, इक्कीस, यहाँ पर इसके अजाय जरबी आ गए, सात के आगे जो है ये सात मुफरत अदद हासिल हुआ, सात के आगे इसके अजाय जरबी नहीं हो सकते, अब जो है 45 मसावी, ये तीन से हम इसको कर सकते, क्योंकि चार और पाँच कितने हो गए, नौ, और ये नौ जो है तीन से मुकम्मल तकसीम होता है, तीन के पहाड़े में आता, इसलिए जो है इसको तीन जरा, तीन के पहाड़े में चार आते क्या, नहीं, कम तीन एका का एक लिख दिए, चार में से तीन कर रहे, एक यहाँ एक समझो तो कितने हो जाएंगे, पंद्रह, तीन के पहाड़े में पंद्रह आते क्या, पंद्रह, पंजे के पाँच लिख दिए, मसावी तीन जरा, अब इसको तीन से कर सकते हैं, और तीन जरा पाँच पंद्रह, ये इसके अजाय जरबी हो गए, 48 की बारी है, तो 48 मसावी, दो से करेंगे, दो जरब, दो के पाड़े में दो दोनी चार, चार, दो चौक आठ, 24 हासिल हुआ मसावी, दो जरब, दो जरब, दो जरब, दो एका दो, और दो दुनी चार,
मसावी दो जरब दो जरब दो इसको किस तरह से लिखेंगे दो जरब छः वेरी गुड मसावी दो जरब दो जरब दो जरब छः को कैसे लिखेंगे दो जरब दो तीन है ना इन्हें दो किया छः अब देखेंगे तो ये तीनों में मुश्तरक क्या है तीन क्या कौन बोलता है मुश्तरक क्या है तीन यहाँ है यहाँ पर ये तीन है दूसरा कोई मुश्तरक है इसमें अलग नहीं है इसलिए क्या बोलेंगे इसलिए मीम मसावी जवाब हो गया। अब हम इस मशक के पहले सवाल का आठवां सवाल देखेंगे। आठवां सवाल है 57.75.102। सबसे पहले हम क्या करेंगे 57 के अज्जाइज भी निकालेंगे। अब 57 में हम देखेंगे 5 और 7 कितने होते हैं 12। 3 के पहाड़े में 12 आते हैं लिहाजा 3 से तकसीम होगा 3 जरा 3 के पहाड़े में 5 आते हैं क्या नहीं उसके कम 3 आते हैं 5 में से 3 गए 2 कितने बन गए 27 3 के पहाड़े में 27 कब आते हैं तीन के बारे में 27 का बात है नवा के 9 लिख दिया अपने यहाँ पर अपने को हासिल हुए 19 19 कैसा आदत है 19 कैसा आदत है मुफरद आदत है लिहाजा 19 के आगे इसके अज्जाइज भी नहीं हो सकते यहाँ पर अपने इसके अज्जाइज भी देख लिए 57 के 3 19 हमारे किसकी है 75 की लिहाजा 75 के हम अज्जाइज भी मालूम करेंगे 75 के अज्जाइज भी मालूम करने के लिए हम और देखेंगे 7 और 5 होते 12 लिहाजा ये 3 से तकसीम होता है मुकम्मिल 3 जरा अब 3 के बारे में जो है 7 आते हैं क्या नहीं उससे कम क्या 6 अब ये 7 में से 6 चलेगा कितने रहे 5 एक रहा कितने बन गए 15 15 आते क्या 3 5 15 मसावी 3 जरा 25 पैसा लिखेंगे 5 जरा 5 क्या जायज भी हो गया बारी है 102 की अब 102 भी 3 से तकसीम होता क्यों होता भी 300 भी जमा करेंगे हम 1 और 0 कितने होंगे 1 और 2 3 3 से तकसीम होता ना 3 1 3 लिहाजा ये पूरा आदत भी 3 से तकसीम होगा इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 3 जरा 3 के पहाड़े में 10 आते क्या नहीं उससे कम 9 3 किया 9 किया लिख दिया 10 में से 9 रहा 1 बच गए वहाँ पर 15 12 बन गए तो अब 3 के पहाड़े में 12 आते क्या 3 चौक 12 कितने हासिल हुए हमें यहाँ पर 34 हासिल हुए अब हमने और यहाँ पर एक गड़बड़ी किए है ये 2 से भी तकसीम हो सकता था इसलिए हम यहाँ जो है और देखेंगे जैसा कि ये भी जो है रॉन्ग नहीं है अब देखिए 3 जरा अब यहाँ इकाई के मुकाम पे 4 है तो ये 2 से ले लेंगे अपनी इसको 2 जरा 2 एका 2 3 में से 2 चलेगा रहा कितना एक तो कितने बन गए 14 तीन के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 14 आते क्या 3 7 2 7 14 17 हासिल हुआ अभी जब 17 हासिल होता है क्या तो ये भी मुफरद अदद है अगर हम इसको सही तरतीब में लिखे तो पहले शुरू छोटा अदद लिखते हैं 2 जरा 3 जरा 17 ऐसा हम लिख देंगे हाँ पहले हमने 2 से नहीं करे क्योंकि अपने लिए स्टेप यहाँ पर बढ़ गई है अब तीनों में अगर हम मुश्तरक देखते हैं तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है इसके अलावा कोई भी अदद मुश्तरक नहीं है इसलिए जवाब हो गया अब हम नवा सवाल देखेंगे नवा सवाल है 56 और 57 अब हम जो है 56 की अज्जाइज भी मालूम करेंगे 56 मसावी ये 2 से तकसीम होता है ना 2 दूनी 4 2 8 16 मसावी 2 जरा अब ये 2 से होता 2 जरा 2 एका 2 चौक 8 मसावी 2 जरा 2 जरा ये 2 से होता 2 जरा 7 ये इसके अज्जाइज भी हो गया 57 की अज्जाइज भी 57 मसावी ये हम 3 से 3 जरा है ना 3 एका 3 2 बचे 3 नवा 27 ये इसके अज्जाइज भी हो गए अब यहाँ पर मुश्तरक कुछ दिख रहा है तुमको नहीं दिख रहा जब यदि कोई इनके जो अज्जाइज अरबी में कोई अगर अदद मुश्तरक नहीं होता है तो वहाँ पर मुश्तरक क्या समझा जाता है ये मीम ऐन अलीफ मसावी का जवाब हो गया अब हम 10वां सवाल देखेंगे 10वां सवाल कितना है बोलो ये 777 315 588 हाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 777 अज्जाइज भी मालूम करेंगे अज्जाइज भी मालूम करेंगे अब इसकी जमा करेंगे 7 और 7 14 और 7 21 तीन के पहाड़े में 21 आते ना यानी 3 से पूरा आदत तकसीम होता है यहाँ पर लिखेंगे 3 मसावी 7 के पहाड़े 3 के पहाड़े में 7 आते क्या आते नहीं आते 6 आते 3 दुनी 6 दुनी के 2 लिख दिया 7 में से 6 चलेगा कितने बचे 1 कितने बन गए 17 3 के पहाड़े में 17 थे क्या नहीं उसके उससे कम 15 17 में से 15 गए कितने बचे 2 बच गए है ना कितने बच गए 2 कितने हो गए 27 3 के पहाड़े में 27 आते क्या 3 9 27 9 के 9 लिख दिए मसावी 3 जरा अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 हाँ अभी ना देखो 2 2 और 5 7
सात और नौ सोलह। अब ये सोलह जो है तीन से तकसीम होता क्या? सोलह तीन से तकसीम होता क्या? नहीं होता, इसलिए अभी तीन से तकसीम होगा क्या? ये नहीं होगा, दो से इकाई के मुकाम पे ना है। जुफ्त अदद कहाँ है ये? जुफ्त अदद है क्या? नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये किससे तकसीम होगा, तो अब सात से लिखेंगे। पहले हम ये जबानी देखेंगे होता क्या। हाँ, अब सात के पारे में पच्चीस आते क्या? नहीं, उससे कम। इक्कीस। हाँ, पच्चीस में से इक्कीस गए, कितने रहे? पच्चीस में से इक्कीस गए तो कितने रहे? चार। कितने बने? उनचास। सात के पारे में उनचास आते ना। हाँ। सात सत्ते उनचास, लिहाजा सात से होता। यहाँ लिख देंगे सात। सात के पारे में देखेंगे पच्चीस नहीं आते, बल्कि उससे कम। सात इक्कीस। और यहाँ पर कितने है? पच्चीस में से इक्कीस गए, चार रहे, तो उनचास। सात सत्ते उनचास, सैंतीस हासिल हुआ। अब सैंतीस कैसा आदत है? मुफर्रद। सैंतीस कैसा है? मुफर्रद। नहीं हो सकते। अब हम किसको लेंगे? तीन सौ पंद्रह को लेंगे। अब तीन सौ पंद्रह जो हम लेते हैं इसके अजाय दर को मालूम करने के लिए, तो इस तीन सौ की जमा करेंगे, क्योंकि ये जुफ्त अदद नहीं है, लिहाजा दो से नहीं हो सकता। तो तीन और एक कितने हो गए? चार। नौ जो है तीन के पारे से तकसीम होता है, लिहाजा पूरा अदद तीन से तकसीम होगा। तो तीन जरा, अब तीन के पारे में तीन आते क्या? तीन एक का तीन। अब तीन चले गए, अब आरी है पांच की, है ना? किसकी? पंद्रह की। एक की। अब बारी है एक को तकसीम करने की तीन से, तो जो है तीन के पारे में एक आता क्या? नहीं, उससे कम। सिफर। तीन सिफर। सिफर पर बच्चे गलती कर देते, पंद्रह ले लेते डायरेक्ट, पंद्रह लिए तो जवाब नहीं आ सकता है, सिफर खत्म हो जाता वहाँ पर क्या। तो अब तीन सिफर सिफर, अब जो है एक में से सिफर गया, एक में से सिफर गया, कितने बचे? एक बचा, कितने बने? पंद्रह। पंद्रह बोलने का इसको। हाँ, अब पंद्रह हो गए, तो अब तीन के पार में पंद्रह आते क्या? आते तीन पंचे पंद्रह। पंद्रह मसावी तीन, जरा अब ये तीन से हो सकता कैसा? एक और पाँच छह है, छह तीन के पार में आते, तीन से तीन जरा, तीन दिया नौ, दस में से नौ गए, एक बचा, तीन पंजे पंद्रह मसावी तीन जरा, तीन जरा। अब ये पैंतीस को कैसा लिख सकते है? तीन तीन पाँच पाँच सात पाँच सत्य हो गए। हाँ, अब बारी है पाँच सौ अट्ठासी की। अब यहाँ लिखेंगे हम पाँच सौ अट्ठासी मसावी। आप देखिए इकाई के मुकाम पे आठ है ना, दो जरा, दो के बारे में पाँच आते क्या? नहीं, दो दुनी चार, एक बचा, दो नवा अठारह और दो चौक आठ मसावी। दो अब नौ सुने आता, उससे कम आठ, दो चौ आठ, एक बज गया, कितने बज गए? चौदह। तो दो सते चौदह, कितने हासिल हुए? एक सौ सैतालीस, है ना? दो जरा, दो जरा, तीन सौ तक देखेंगे। एक और चार पाँच, पाँच और सात, पाँच और सात बारह, बारह है ना? एक और चार पाँच, पाँच और सात बारह, बारह तीन के पारे में आते, लिहाजा तीन से होता, तीन जरा, तीन के पारे में चौदह आते क्या? नहीं, उससे कम बारह, कब आते? तीन सौ बारह, चौदह में से बारह गए, दो बचे, और तीन नवा सत्ताईस, सत्ताईस मसावी, दो जरा, दो जरा, तीन जरा। अब इसको उनचास कैसे लिखेंगे? हो गए। हाँ, अब इसमें हम देखेंगे कॉमन, इसमें तीन है, इसमें तीन है, इसमें तीन है, याद है इसको, पत्ता सीधा यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। हाँ, इसमें सात है, इसमें भी सात है, और इसमें भी सात है, इसलिए इसको आप पत्ता सीधा कर देंगे। अब इसके अलावा है क्या इसमें? नहीं, नहीं है। तो अब मुश्तरी कितने आदत हासिल हुआ अपने को? तीन और सात, सात यानी तीन और सात की जरा, इसलिए तीन जरा सात मसावी, तीन सते इक्कीस, जवाब कितना आया? इक्कीस आ गया। यही मश्क यहाँ पर खत्म होती है, ये दसवां सवाल था। उम्मीद करते हैं इसे आप जो है अच्छी तरह से देखेंगे, समझकर यानी जो है इसे सीखेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, ना कि आप नकल करेंगे। नकल को अहमियत नहीं है, अकल से रियाजी हल होती है और वो बच्चा कामयाब होता है। लिहाजा इसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।